गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्यूचरनेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास एक कॉम्बो है जिससे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है वो बिल्कुल नई कॉम्बो से कराया जाता है, यानी आपके पास में हम आपको कोई भी टूटी फूटी कॉम्बो नहीं देते हैं। देखिए, ये पूरी नई कॉम्बो है हमारी, हम लोग इससे प्रैक्टिकल कराते हैं। और ये भी देखिए, हमारे पास एक पूरी नई कॉम्बो है इससे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। तो इससे क्या रहता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। अब है क्या कि अभी अगर हम बच्चों को टूटी फूटी से कराएंगे तो बच्चे भी नहीं सेटिस्फाइड होते हैं और उससे काम सही तरीके से हो भी नहीं पाता है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें करना क्या है, हमें हमारे पास एक स्टूडेंट है तो हमें उसको इसकी कॉम्बो बनाना, मतलब अभी तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है पूरी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हम इसको कैसे निकालना है, उसके बाद में OCS शीट के द्वारा कैसे आप इसको दोबारा से बनाओगे ये हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये एक सेपरेटर मशीन है। सेपरेटर मशीन में क्या होता है कि इससे हम लोग इसको डिस्प्ले और टच को अलग अलग करते हैं। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर चाह रहे थे कि आजकल जो हमारे पास सेट आ रहे हैं वो आपको दो प्रकार के मिलेंगे। दो प्रकार का है का मतलब ये हो जाता है कि एक मिनट आप अगर बोर्ड में देखें ज़रा, देखिए हमारे पास जो आजकल कॉम्बो हमें देखने को मिलती है मार्केट में, जो हमारे आजकल नए प्रकार के मोबाइल आ रहे हैं, ये आपको दो तरीके के देखने को मिलेगी। एक में क्या होता है, एक में तो आपका लगा होता है ग्लास, उसके बाद ग्लास के नीचे जो आपका लगा होता है वो होता है टच वाली शीट, और तीसरा क्या होता है आपकी डिस्प्ले होती है। ये आपके जो पुराने ओल्ड वर्जन वाले फोन थे ये उसमें आपको इस तरीके को देखने को मिलता है। अब आजकल जो हमारे पास नए मॉडल के फोन आ रहे हैं जिसमें आपको पूरी फुल डिस्प्ले मिलती है या नॉच डिस्प्ले मिलती है, वो वाले जो हमारे फोन आ रहे हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें सिंपली आपका एक ग्लास ऊपर लगा होता है और उसके बाद में उसके नीचे आपकी डिस्प्ले होती है। अब इसमें डिस्प्ले होती है और ग्लास होता है, लेकिन ये जो टच वाली आपकी शीट है ये मिसिंग होती है। लेकिन ये होती कहाँ है, ये आपकी डिस्प्ले पे इनबिल्ड होती है। यानी अगर आपके पास में इस तरीके का सेट आए जिसमें कस्टमर आपसे ये बोलता है कि मेरा टच नहीं काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका क्या करना होगा, अगर आपके पास ये वाला है तो आपको पूरी कॉम्बो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका टच होता है वो डिस्प्ले पे इनबिल्ड होता है। अब जैसे ये वाला जो है हमारा, अगर इसमें कस्टमर आपके पास आके ये कहता है कि नहीं हमारा टच नहीं काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि टच और ग्लास एक साथ होता है और आपकी जो डिस्प्ले होती है ये एक साथ होती है, यानी ये एक अलग होती है और ये अलग होती है। तो जैसे इसमें क्या होगा कि कस्टमर आके कहता है कि हमारा टच नहीं काम कर रहा है, तो आपको ये दोनों पूरा चेंज करना पड़ेगा, यानी टच और ग्लास पूरा चेंज करना पड़ेगा। या कस्टमर आपसे कह रहे कि मेरा टच टूट गया है, तो भी आपको ये दोनों एक चीज एक साथ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपसे आके वो ये बोलता है कि नहीं हमारे फोन में डिस्प्ले नहीं काम कर रही है, डिस्प्ले पे वो स्पॉट आ रहे हैं या ब्लैक डिस्प्ले पे स्पॉट आ रहे हैं या वाइट हो गई है या लाइनिंग आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इसमें पूरी कॉम्बो चेंज करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले सेट की। इसमें क्या होता है, जब कस्टमर आपके पास आके ये बोलता है कि भैया हमारा ग्लास टूट गया है, तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपको एक ग्लास मिलेगा मार्केट में 50-60 रुपए का, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कस्टमर आपसे आके ये कहता है कि हमारे टच भी नहीं काम कर रहा है या टच रुक रुक के चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पूरी कॉम्बो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, अगर हम देखें, अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारे पास कॉम्बो है ये इस वाली ये वाला सेट है हमारे पास, यानी ग्लास भी है, टच भी है और डिस्प्ले भी है। देखिए, ये एक हमारी हो गया, हमारा हो गया डिस्प्ले। इसके नीचे अगर आप देखेंगे, ये आपको ये बीच में एक येलो कलर की ऊपर पट्टी लगी हुई है, ये वाली जो हमारी शीट है ये होती है टच की, और सबसे ऊपर हमारा लगा हुआ है ग्लास। ये मतलब तीन वाला सेट है ये वाला। अब इसको हमें निकालना कैसे है, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसमें जो आपका टच प्लस ग्लास है ये आपको एक साथ निकालना पड़ेगा, और ये जो आपकी डिस्प्ले है इसको आपको अलग निकालना पड़ेगा। यानी आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो आपका टच और ये जो आपका ग्लास है, यानी ये ग्लास और ये टच, इसको आपको एक साथ निकालना है, और ये जो डिस्प्ले है आपकी इसको अलग सेपरेट निकालना है। तो अगर इसको आपको अलग अलग निकालना है तो करना ये पड़ेगा, ये जो आपका टच वाली शीट होगी, आपको ये जो कटिंग वायर होगा, इस कटिंग वायर को आपको इस टच के ऊपर लगाना पड़ेगा।
जब ही ये दोनों अलग निकलेंगे और ये अलग निकलेंगी। अब देखिए हम लोग इसको निकालते कैसे हैं वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए अब हमारे पास में हमने आपको बताया ये हमारी कॉम्बो है। अब एक मिनट आप इधर देखिएगा, जैसे आपके ये हमारे पास एक सेपरेटर है ट्राइंगल कंपनी की, जैसे आप मार्केट से नई लेने जाते हैं, मार्केट से नई लाते हैं और कभी कभार क्या होता है इसकी सेटिंग मिसिंग हो जाती है, आप सेट नहीं कर पाते हो। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है आपको अगर इसको सेट करना होगा तो कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले आप इसको ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद में आपको ये ऊपर एक सेट लिखा हुआ है, एक एंटर लिखा है और उसके बाद ये अप एरो है और डाउन एरो है। तो सबसे पहले आप सेट पर चले जाइए, यानी ये यहाँ पर 120 दिखा रहा है, यानी ये 120 पर सेट है। अब अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना है, अगर इसकी क्षमता होगी 120 से ज़्यादा, तो आप जब ऊपर वाला बटन दबाओगे यानी अप एरो दबाओगे तो यहाँ पर बढ़ने लगेगी, लेकिन ये पूरा कम्प्लीट है यानी 120 मैक्सिमम है। ये 120 से कम हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम कम कर ले रहे हैं लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, तो आप यहाँ से उसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको करना ही पड़ेगा ये एंटर वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, अब ये मशीन आपकी चलने लग जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर रखना है और 120 तक होने का इसका इंतज़ार करना है। अब 120 हो जाती है फिर उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए 120 पे हमने सेट किया हुआ था, जैसा आपको दिखाया था अभी हमने, ये 120 पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको निकालना है, निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा वैक्यूम बटन होता है, आपको इसको दबाना पड़ेगा। जब आप इसको दबा देंगे तो ये जो आपकी डिस्प्ले है ये इस पर चिपक जाएगी, यानी ये वैक्यूम है ये इसको अपने पे चिपका लेगा। अब अगर आप जब इससे वायर से काटोगे तो ये उधर उधर भागेगा नहीं। अब देखिए आपको करना क्या है, आप एक उंगली में इस तरीके से कपड़ा लपेट लीजिए और एक इसे पकड़े रहिए। उसके बाद में देखिए हमें निकालना इधर से है, क्योंकि इधर से हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इधर हमें ये टच वाली शीट दिख रही है और इधर से वैसे निकालना होता है, लेकिन इधर क्या है हमारी टच वाली शीट नहीं दिख रही है। अभी अगर हम इधर से निकालेंगे तो हो सकता है ये जो हमारा वायर है ये डिस्प्ले टच की शीट के नीचे चला जाए, तो ये जो आपकी टच है ये डिस्प्ले के साथ निकल आएगा। तो इसलिए हमें करना क्या है कि हम लोग इधर से निकालते हैं, तो इधर से हमें टच भी दिख रहा है। अब इसको वायर को आपको टच के ऊपर लगाना होगा, इसे टच के ऊपर आप लगाइए और लगाने के बाद ये जो आपके दो रोलर दे रहे हैं ये ब्लैक कलर के, एक ये है एक ये है, आपको ये जो अपना वायर है इसी के ऊपर ही चलाना है। मतलब आपको ताकत नहीं लगानी और आराम आराम से बिल्कुल आपको इसको निकालना है, बिल्कुल आराम से आप निकालिए, निकलता चला जाएगा, कोई जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। रोलर के ऊपर ही आपको ये वायर को चलाना है, थोड़ी देर लग जाए सही है लेकिन हमारी डिस्प्ले खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको आराम आराम से बिल्कुल निकालते हैं। देखिए काफ़ी देर हो जाती है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डिस्प्ले तो नहीं ख़राब हो जाएगी इतनी देर लगाया है उसमें, तो देखिए इतना नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो भी आपकी डिस्प्ले वायर से कटने का डर है, कट जाएगी तो स्पॉट आ जाएंगे, लाइनें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो आप आराम आराम से भी निकाल सकते हैं, आप बहुत जल्दी ना निकालने की कोशिश करें, मतलब आपको बहुत देर भी नहीं लगानी है और आप ये भी नहीं करेंगे कि नहीं आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी इतना हो जाए कि आप बस निकालने लगे। अब देखिए ये हमारी डिस्प्ले पूरी कट गई है, अब एक दो बार बस हम इसमें और वायर डाल के इसको निकालते हैं काटते हैं। आराम आराम से बिल्कुल हम इसको काटते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये फंस रहा है, अब देखिए ये निकल आ जा रहा है।
ये हमारी डिस्प्ले और ये हमारा टच बिल्कुल अच्छे से निकल आया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए मार्केट में बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें तो इसको आप पेट्रोल से भी वॉश करके, मतलब पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। मार्केट में बहुत तरीके के आपको क्लीनर वगैरह मिल जाएंगे, आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में इसको सीट लगा के इसको कॉम्बो बनाएंगे वापस से।